चुनाव से पहले कांग्रेस का बढ़ा कुनबा, पूर्व सांसद परिवार समेत कांग्रेस में हुए शामिल, कांग्रेसियों में जबरदस्त जश्न शुरू। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले सपा से रिश्ता तोड़ने के बाद पूर्व सांसद रवि वर्मा ने अपनी बेटी डॉक्टर पूर्वी वर्मा के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। रवि वर्मा ने कहा कि कांग्रेस बड़ा परिवर्तन लाने जा रही है, उसकी आहट अभी से सुनाई दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पिता पुत्री को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान पूर्व सांसद पीएल पुनिया भी मौजूद रहे। रवि वर्मा ने कहा कि सपा में अब वैचारिक संक्रमण है, इसलिए सपा से नाता तोड़ना पड़ा। पूर्वी वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को देखकर लगा कि राजनीति में महिलाएं सुरक्षित हैं और साफ सुथरी राजनीति हो सकती है। मेरे दादाजी बाल गोविंद वर्मा के नाम का पत्थर आज भी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में लगा है। रवि वर्मा ने रविवार को सपा से इस्तीफा देने का कारण बताते हुए कहा था, मैंने लगभग 25 वर्षों तक समाजवादी पार्टी के लिए काम किया है। पिछले कुछ वर्षों से पार्टी कुछ नए लोगों की एंट्री हुई है, जो कि सीधे तौर पर अखिलेश यादव से मिले और पार्टी में पद ले लिया, लेकिन उन्होंने कभी ग्रामीण इलाकों में चुनावी रणनीति पर काम नहीं किया है। इस बीच ठेकेदारों और भ्रष्ट अधिकारियों का सिंडिकेट बनाना शुरू हो गया है। पार्टी में किसी के पास जनता के लिए काम करने का समय नहीं था। सभी पार्टी में शामिल होकर करोड़पति बनना चाहते थे और पावर हासिल करना चाहते थे। जब हालात बिगड़ने लगे तो मैंने सपा छोड़कर पार्टी में शामिल होने का फैसला किया।